वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी रेंगती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस माहौल में भी भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल चीन में सक्रिय करीब 1000 कंपनियां भारत में मौके की तलाश कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस के कारण चीन में विदेशी कंपनियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस माहौल में लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही है। इनमें से करीब 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने को पूरी तरह से मूड बना चुकी है। इस संबंध में सरकार के अधिकारियों से बातचीत भी चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लक्षित 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल और सिंथेटिक फैब्रिक के क्षेत्र में सक्रिय हैं और अब भारत में आना चाहती हैं। अगर सरकार की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा। इसके साथ ही चीन के हाथों से मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा छिन जाने का खतरा मंडराने लगेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।